नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा नमकीन। बहुत ही टेस्टी चावल से बनाएंगे, चावल के आटे से बहुत ही टेस्टी नमकीन बनाएंगे। आप इसको डिब्बा भर कर रख सकते हो और जब आपके गेस्ट आए तो आप उनको खिला सकते हो। तो ये स्पेशल फेस्टिव सीजन के लिए है, बहुत ही टेस्टी स्नैक की रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगी आपको। क्रिस्पी है, मज़ेदार है, टेस्टी है, यमी है। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कोई भी हम परात या कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लेंगे जिसमें हम अच्छे से आटा गूंथ सकें, और इसमें हम डाल देंगे 1 कप आटा। गेहूं का आटा है, 1 कप भरकर हमने गेहूं का आटा डाल दिया। तो घर गेहूँ का आटा हर किसी के घर में अवेलेबल रहता है, इसलिए बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे सेम प्रोपोर्शन में 1 कप हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी हम बिल्कुल बारीक वाली डालेंगे। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आप सूजी को लेकर उसको मिक्सी के जार में पीस लें थोड़ा सा, और 1 कप जो है इसमें सूजी डालेंगे। इसके साथ ही डालेंगे इसमें 1 कप चावल का आटा। तो चावल का आटा भी इजीली बाजार में अवेलेबल रहता है, वो डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो आधा चम्मच हमने अजवाइन लेनी है, और इस तरह से हाथ में मसल कर इस तरह से हम अजवाइन डालते हैं। अजवाइन को अच्छे से मसल लें, इससे टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसको मसलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे अब नमक। नमक इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे हम तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ा सा कम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। इससे क्रिस्पनेस आएगी और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा, खस्ता लगेगी बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही हम इसको मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर साथ ही ऐड करेंगे हम 2 बड़े चम्मच के करीब मोए। कोई भी कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल आप यूज़ करते हो वो डाल सकते हो, नहीं तो आप इसमें देसी घी डाल सकते हो। जैसे भी आप जो डालना चाहते हो ऑयल आपके घर में अवेलेबल हो, अब वो इसमें डालना। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे इस तरह से, सब जगह अच्छे से लग जाना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको हाथ में लेके इस तरह से मसल लेंगे सारे आटे। ये देखिए इस तरह से सब जगह से आसानी से लग जाता है सब जगह। ये जो हलवाई लोग होते हैं वो इस तरह से करते हैं। ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करना इसको बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें, कहीं से ज़्यादा कहीं पे कम ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखिए अच्छे से हमने इसको कर लिया मिक्स। अब इस तरह से मुट्ठी में बंद करके देखेंगे, अगर तो इस तरह से बंद हो रहा है, ये देखिए इस तरह से बन रहा है, बाइंड हो रहा है, मतलब कि हमने मोन की क्वांटिटी जो है बिल्कुल परफेक्ट डाली है। सो आप देख सकते हो इस तरह से ये बन रहा है, मतलब कि इसकी क्वांटिटी जो हमने ऑयल की डाली है बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अंदर अब हम डालेंगे कोसा पानी, यानी कि ल्यूक वॉर्म वाटर, हल्का कोसा पानी, उससे आटा गूंथेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसका जो है एक डो बना देंगे। हमने बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, मीडियम सा डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका जो है अच्छे से मसल लेंगे। एक बार में सारा पानी हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें पानी डालेंगे। जब हम इस तरह से आटा हल्का हल्का पानी डाल के हल्का हल्का इसको गूंथ दें, तब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ते की एक जो है हम डंडी ले लेंगे, इस तरह से धो लिया हमने, और इसको इस तरह से निकाल लेंगे। निकाल कर हमने जो है एज इट इज नहीं डालना है इसको, हमने जो है इसको नाइफ की हेल्प से कट करके फिर हम इसको डालेंगे। तो इस तरह से इसको छोटा बड़ा थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें इसका फ्लेवर जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। इसको भी इसके अंदर गूंद लेते हैं और थोड़ा सा पानी इसमें और डाल लेंगे। तो इसको हमने गूंद दिया, और इसको गूंदने में हमें 1 कप से थोड़ा सा कम जो है पानी लगाया। ये देखिए 1 कप पानी लिया था, थोड़ा सा पानी इसमें बच गया। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब, और इसको जो है एक बार अच्छे से मसल लें। इसको मसलना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह से मसल कर रख देंगे। ये देखिए डो बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो इसको अब हम रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ढककर। 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल लेंगे हाथ में, इसके ऊपर डालेंगे ऑयल। हमने ज़्यादा नहीं, सिर्फ कुछ बूंदे ही हमने ऑयल की लेनी है। हाथ में इस तरह से मसल लेंगे और इस तरह से इसको जो है हमने गूंद लेना। ये देखिए बस 1 मिनट के लिए हमने इस तरह से इसको मसलना है, ताकि थोड़ा सा ये स्मूथ हो जाए। तो आटा हमारा गूंद चुका है, अब हम क्या करेंगे कि इसका थोड़ा सा पेड़ा तोड़ लेंगे और इस तरह से जो है इसकी
छोटे छोटे हम इस तरह से बराबर के साइज़ की लोइयां निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से छोटे छोटे निकाल लेंगे। तो लीजिए हमने इस तरह से लोइयां तोड़ लिया, अब इसकी जो है हम लोइयां बना लेंगे इस तरह से, गोल बॉल बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से नींबू के से भी छोटे साइज़ की हमने जो है इसकी बॉल्स बना लेंगे। तो लीजिए सबकी हमने जो है इस तरह से बॉल्स बना लिए। अब हम क्या करेंगे, एक लोई उठाएंगे और इसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसको जो है इस तरह से पतली पतली मसल करेंगे, ये देखिए और ज़्यादा पतला करेंगे। एक तो ये तरीका इसको करने का, और दूसरा तरीका ये है कि हम जो है एक बेलन ले सकते हैं और बेलन की हेल्प से हम जो है इसको बेल सकते हैं। ये हमने ज़्यादा इसको मोटा नहीं बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, इस तरह से हमने इसको बेल लेना है। इसको उठाएंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे और इसको जो है पतला बेल लेंगे। हमने जो है इसको इस तरह से पतला पतला बेल लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इसको इस तरह से बनाएं और आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। इसको आप महीना दो महीने के लिए आराम से जो है बनाकर रख सकते हो और लंबे समय तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आपके घर में कोई गेस्ट आए, कोई त्यौहारों पर आप इसको बनाइए, बनाकर डब्बा भर कर रख लीजिए और जो है फिर आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे और आप कुछ भी कर सकते हो आराम से। तो इसको बनाकर रख दीजिए, दिवाली का त्यौहार आ रहा है और आप इसको बनाकर रख लें, आपके घर में कोई गेस्ट हो आए तो आप इसको उस टाइम फटाफट से सर्व कर सकते हो, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहेंगे। ये देखिए इस तरह से जो है हमने सारी बेलकर रेडी कर, तो लीजिए ये सारी जो है बेलकर मैंने रेडी कर लिया, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सी ये हमने बेल ली है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। अब मैंने ले ली कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया मैंने ऑयल और मोटे तरह की मैंने ली है कढ़ाई और ऑयल गर्म कर लिया हमने, मीडियम ऑयल गर्म करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ में हम इसको नहीं बनाएंगे, एक एक करके जो है हम इसको डाल देंगे, जितनी आपके आराम से एक बार फिट आ जाए एक एक करके डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनती है। इसको अब हम कर देंगे इस तरह से फ्लिप, और इसको अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे हमें, इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो दोनों तरफ से इसको हमने अच्छा क्रिस्पी करना है, गैस का फ्लेम हल्का रख लेंगे और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गैस हमारी हल्की हो गई तो इसको हल्का सा तेज कर सकते, एक बार इस तरह से इसको हाफ फ्राई कर लेंगे और इसको जो है हमने निकाल लेंगे, इस तरह से इसको निकाल लेंगे हाफ फ्राई करके। इस तरह से हम इसको एक बार करके निकाल देंगे और जो दूसरी बारी है बाकी भी हम फ्लेम थोड़ा सा तेज कर देंगे और एक एक करके जो है हमने इस पर बाकी की भी डाल देंगे। तो इसको भी हम एक बार कच्चा करके निकाल लेंगे, ये देखिए दूसरे लॉट को भी हमने इस तरह से हल्का हल्का फ्राई कर लेना है उलट पलट करके। अलग अलग कर लेंगे तारे ताकि सारे जो है अच्छे क्रिस्पी हो जाएं, ये ना हो कि ऊपर नीचे से जो है एक के साथ दूसरा चिपका रहे, वो चिपकने नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, उतने ही डालें जो आसानी से आप। भी हमने हल्का फ्राई कर लिया है और इस स्टेज पे इसको भी निकाल, बस हमने पहला लॉट जो है हल्का हल्का इस तरह से फ्राई करके निकाल लेना है। एक लॉट और है और उसको भी हमने इसी तरह से डालना। तो लीजिए सारे हमने जो है एक बार हाफ फ्राई कर ली, अब हमने कढ़ाई में जो है ऑयल डाला हुआ है और आप देख सकते हो इसको हमने गैस का फ्लेम हल्का कर दिया और एक एक करके जो है ये वापस इसके अंदर डाल देंगे, अभी गैस का फ्लेम हमने थोड़ा सा तेज कर देना है। तो मीडियम हाई में हमने अब इसको बनाना है, उतना ही डालें जितना आसानी से आप डाल सकते हो। और इसको अब उलट पलट करके हमने अच्छे से बराबर का गोल्डन ब्राउन करना है, ध्यान रहे कि अब उलट पलट करना इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कहीं से कच्चा रह जाएगा और कहीं से जो है ये पक जाएगा। अब उलट पलट करते हुए हमने इसको जो है गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये, आप एक बार खाओगे ना तो आप इसको ख़त्म ही नहीं होने दोगे, आप इसका डब्बा जो है हमेशा भर कर ही रखोगे।
इतने ज़्यादा यमी है। इसको कभी भी आप बनाकर खा सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता रहता है कि कैसा तेल डाल रहे हो आप इसमें, क्या डाल रहे हो, क्या खा रहे हो। बाजार से हम खरीद कर लाते हैं, हमको कुछ नहीं पता होता है। एक ही ऑयल में वो बार 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 फ्राई करते रहते हैं और बहुत ही हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही वो अनहेल्दी होता है। तो अब आज हेल्दी तरीके से बना रहे हैं अपने घर में खुद अपने हाथों से, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसे बनाइए, खुद भी खाइए, हमारे आपके घर में गेस्ट आएँ उनको भी खिलाइए। मैं यकीन से कह सकती हूँ जब आपके घर में कोई भी खाएगा तो आपसे ये रेसिपी मांगेगा कि कैसे बनाया आपने ये, इतना ज़्यादा ये आपको उनको टेस्टी लगेगा। ये देखिए अच्छे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी है। मोड़ते जाइए, मीडियम हाई फ्लेम करें, बहुत ज़्यादा गैस का फ्लेम हाई है तो उसको हल्का कर लें, बीच में हल्का तेज़ करते रहें। हमने इसको जलाना नहीं है, क्रिस्पी करना है और बराबर का क्रिस्पी करना है। ये देखिए कितना क्रिस्प इसके अंदर आ गया। अच्छे ये क्रिस्पी हो गए, इसको हम निकाल लेंगे, तो साइड पे करें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वापस चला जाए और इसको हम निकाल लेंगे। अब देखिए इसकी आवाज़, ये देखिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने। इसी तरह से फ्लेम को जो है हम हल्का कर लेंगे और हल्के फ्लेम में हमने बाकी के भी इसमें डाल लेने हैं और सारे के सारे जो है गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं। हल्का लगे तो गैस का फ्लेम तेज कर लीजिए और उतने ही डालें जो एक बार फिट आ जाए करेंगे, आसानी से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो सारे हम इसी तरह से करके और रेडी कर लेंगे। हल्का सा हम नमक चाट मसाला डालेंगे, हल्का सा हम इसके अंदर डालेंगे अमचूर पाउडर और इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितने क्रंची हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देख रहे हैं आप, लीजिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रंची से हमारे जो है ये बनकर तैयार हो गए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कितने करारे बने, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा जो है ये बढ़िया बने। ये देखिए आप इसे बनाइए, एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रखिए और फेस्टिव सीजन के लिए इसको रेडी करके अभी से रख लीजिए। ये बिल्कुल भी 2-3 महीने तक ख़राब होने वाले नहीं हैं, बहुत टेस्टी मज़ेदार रहेंगे। चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ सर्व कीजिए और आप भी खाइए, गेस्ट को भी सर्व कीजिए। कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।